आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। आज हमारे साथ गुरु सिंह सभा सिधौली के प्रधान श्री गुरमीत सिंह, सिख सेवा सोसाइटी के प्रधान कमलदीप सिंह और उपाध्यक्ष श्री हरजीत सिंह उपलब्ध हैं। सर, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि जो आज वैसाखी का पर्व है वो सिख धर्म में क्या महत्व रखता है? सबसे पहले मैं अपने देश के देशवासियों को वैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और वैसाखी पर्व 13 अप्रैल सन 1699 को हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। और पंच प्यारों के अधीन होके पंच प्यारों को पहले खंडे बाटे का अमृत छकाया, उसके बाद आप छका। इसी दिन से सिख पंथ वैसाखी पर्व मना रहा है। और आज ही के दिन से सिख पंथ में नया साल शुरू होता है। सर, ये जो प्रशासन द्वारा आदेश जारी हुआ है उनका क्या नियमों का पालन हो रहा है? देखिए, जो प्रशासन द्वारा आदेश किए गए हैं हमारा सिख समाज उसका पूरा पालन कर रहा है। और हमारी सोसाइटी द्वारा, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा भी सब घरों में आदेश दिए गए हैं कि वो घरों में रह के ही वैसाखी पर्व मनाएँ, घरों में दीप माला करके वैसाखी पर्व मनाएँ। और मैं अपने सभी सिख भाइयों से, चाहे वो जहाँ भी रहते हैं, उनसे भी यह अपील करूँगा कि वो घरों में ही रह के इस पर्व को मनाएँ। अच्छा, जो ये लंगर का प्रोग्राम अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है वो चल रहा है, उसके बारे में आप क्या बताना चाह रहे थे? जब 21 दिन का लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, तभी हमारी समिति ने निर्णय लिया था जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक लंगर चलाया जाएगा। और हम लोग को 21 दिन का आदेश भी पारित हुआ था। फिलहाल इसका लंगर, जो कि 21 दिन का कल हमारा ये लंगर पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद ये लंगर रोक दिया जाएगा क्योंकि प्रशासन द्वारा आगे अनुमति नहीं है। और फिर भी अगर किसी को भी आर्थिक रूप से कोई भी अगर हेल्प चाहिए होगी, वो हमारी सेवा स्टडी द्वारा किसी भी मेंबर को कॉल करके बता सकते हैं और उन्हें कच्चा राशन उपलब्ध कराया जाएगा या जो भी किसी भी तरह की मदद कराई जा सकती होगी, पूरी तरह हेल्प कराई जाएगी उनकी। सर, लंगर आप कहाँ था, आप लोगों ने बांटा? देखिए, लंगर हमारी सोसाइटी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस विभाग की पूरी टीम, नगर पंचायत के स्वच्छ कर्मचारी और जो कि मोहल्ले के गरीब बच्चे जहाँ जहाँ हैं, जो नहीं खाने में समर्थ हैं, उनके पास लंगर पहुँचाया जाता है। तो आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं अपने सिख समुदाय में कि यह त्यौहार जो वैसाखी पर्व है वो किस तरह मनाया जाए? देखिए, मैं पहले भी संदेश दे चुका हूँ कि वो सिख समुदाय या जिसको भी कोई भी पर्व, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हमारा सिख धर्म हो, जब तक ये लॉकडाउन है तब तक वो घरों में रह के ही अपने अपने पर्व मनाएं और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। यदि घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क यूज़ करें। जय हिंद, जय भारत।